अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज हम विजिट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक विलेज। बहुत ज़्यादा हाइप थी सोशल मीडिया पे, जहाँ खोलो ऑर्गेनिक विलेज, जहाँ खोलो ऑर्गेनिक विलेज। तो हमने कहा हम भी विज़िट करते हैं। पहले हमें लगा कि यहाँ पे कोई टिकट वगैरह होगी, बट यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं थी। एंड वी जस्ट एंटर्ड और एकदम से वाइब जो थी वो भाई जेन्युइन थी। माहौल बहुत एंटीक था, पता चल रहा था कि किसी गांव में घुस रहे हैं। बाहर स्टिल अभी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही थी। एंट्री के बाद हमने यहाँ वहाँ देख के पार्किंग ढूंढी और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम चले जी विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। और आप सबको भी मैं साथ लेके जा रही हूँ, एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, वीडियो विल बी वर्थ वॉचिंग, राइट। एंटर होते ही हमें मिले हैं जी कच्चे मकान, जिसमें बहुत खूबसूरत रंग भरे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम 50-60 साल पुराने जो गांव होते थे वहाँ पे आ गए हैं। एंट्री के लिए एक ब्रिज दिया हुआ है और एंटर होते साथ ही यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और जिसको बिल्कुल गांव वाला थीम दिया हुआ है। ऑब्वियसली ये ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट है। हमारी दोस्तों की तरह अगर आप सबको भी पिक्चर विक्चर्स वाला बहुत क्रेज़ है, तो पूरा पंजाबन स्टाइल बनके यहाँ पे फोटोग्राफी का मज़ा ही अलग है, बिकॉज ऑब्वियसली थीम सारा ऑलरेडी सेट है। ये रेस्टोरेंट के अंदर ही कुआं दिया हुआ है। अभी धूप बहुत ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली रश इतना नहीं था, क्योंकि हम दिन के टाइम आए थे, बट शाम में इसका माहौल और भी दोगुना अच्छा होता है। लाहौर जैसे शहर में ऑर्गेनिकली विलेज का माहौल क्रिएट करना इटसेल्फ एक काबिल तारीफ़ बात है। यहाँ पे बहुत सारे परिंदे देखे हमने, जानवर देखे, मुर्गियाँ, बत्तख, ये वो। और ये ऊँट था जी कोलू के लिए, कोलू जिसमें हम सरसों डाल के तेल निकालते हैं। लेट मी शो यू गाइस, दिस इज़ कोलू। आई डोंट नो मैं इसको सही तरह से प्रोनाउंस भी कर रही हूँ कि नहीं, बट आप लोग समझ रहे हो ना, यही चाहिए, राइट। ये पता नहीं फंक्शनल भी है या सिर्फ सिंबॉलिकली ही इसको रखा हुआ है। ये बहुत अरसा पहले तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। एंड यस, और यहाँ पे हमने देखे जी कव्वे। ये एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी का इनिशिएटिव है भाई, ग्रीन पाकिस्तान का, जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट जो है वो डिवेलप किया गया है। यहाँ पर आपको तकरीबन हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक मिलेगी। देसी बकरे मिलेंगे यहाँ पर आपको, जो कि आपकी मर्ज़ी है, पसंद करके आप घर भी लेके जा सकते हो, और दिल करे तो ऐथे बह के खा लो। ये गांव का मॉडल हाउस एक बनाया गया है, परफेक्टली गांव का कल्चर दिखाया गया है, जहाँ पे शेल्फ बनी हुई है, मिट्टी के चूल्हे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे आटे की चक्की पड़ी हुई है, और इसके साथ साथ गंदम स्टोर करने वाला जो कंटेनर होता है, जिसको हम पंजाबी में परोला कहते हैं, वो भी पड़ा हुआ है। घर के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे जी टोका पड़ा हुआ है, जिसमें जानवरों का चारा जो होता है, पट्ठे वगैरह जो होते हैं, उनकी कटाई होती है, जिसको हम टोका कहते हैं। और खाने में जी यहाँ पर आपको देसी मुर्गी, देसी बकरे, देसी अंडे मिलेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रैंक हो गया था कि मेरी जूती का तला टूट गया था। हम धूप में ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं जी गांव को। ये जी वो एरिया है जहाँ पे ऑर्गेनिक खाद जो है वो ख़ुद बनाई जाती है। मवेशियों का जो गोबर वगैरह होता है, ये उसका कलेक्शन एरिया है। इसको कलेक्ट करके ऑर्गेनिकली खाद खुद प्रिपेयर की जाती है। ये जी एक कंटेनर है जिसमें सूखे पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं, और इससे भी खाद बनाई जाती है। ये तकरीबन 31 एकड़ रकबा है जिसके ऊपर ऑर्गेनिक विलेज वाला प्रोजेक्ट बनाया गया है। और मज़े की बात यह है कि लाहौर के बिल्कुल वस्त में है।
बुलेवार्ड DHA में। ये तकरीबन 250 कनाल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिक विलेज है। ये स्कूलों के बच्चों के लिए, मुख्तलिफ ट्रिप्स के लिए, अलग अलग डेलीगेशंस के लिए परफेक्ट प्लेस होगी कल को बहुत सी चीज़ें लर्न करने के लिए। मेरी तरफ से तो थम्स अप है भाई। यहाँ पे जी बच्चे फुल मॉल, ना फिकर ना फाका साइकिलिंग कर रहे हैं। बच्चों का एक बहुत प्यारा सा प्ले एरिया भी दिया हुआ है जिसमें लकड़ी के सारे झूले लगे हुए हैं। आप लोगों में से भी कोई भी अगर शहर की बिजी तरीन रूटीन से हट के अगर गांव की सुकून वाली लाइफ एंजॉय करना चाहता है तो ये जगह बहुत बेस्ट है। यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे मिट्टी के सारे बर्तन बनाए हुए हैं। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन खुद बनाए भी जाते हैं और ये सिर्फ उन्होंने डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं कुछ बर्तन। यहाँ पे हम लोगों ने भी एक दो हांडियाँ पकड़ के फ्लेक्स मारे हैं और यहाँ पे बिस्तरे शिस्तरे हो रहे हैं भाई। और साथ ही यहाँ पे ट्यूबवेल दिया हुआ है जिन्हों बहुत ही गर्मी लगे और उठ के डुबकी भी ला सकता है। ये जी गांव के कुछ गैजेट्स हैं जिसमें चरखा है और इसके अलावा लस्सी बनाने वाला आला है जिसमें लस्सी बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुआं है जिसमें से पानी निकाल सकते हैं हम। पता नहीं ये फंक्शनल है कि नहीं बट भाई सिंबॉलिकली तो बनाया हुआ है राइट। यहाँ पे जी इलेक्ट्रिक कार का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें बैठ के आप पूरा गांव विजिट कर सकते हो अगर आपकी टांगें आपका साथ नहीं देती तो। यहाँ पे हम डेरे वाली जगह पे बैठ के जहाँ पे गांव में पंचायत लगती है बड़े वडेरे लोगों की, वहाँ बैठ के हमने अपना खाना पीना किया। सबसे पहले पानी पिया क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी और उसके बाद हम शिफ्ट किए जी लस्सी पे, क्योंकि अगर गांव जाएं और लस्सी ना पिए तो भाई नाइंसाफ़ी वाली बात है। खाने को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरा मोबाइल डेड हो गया था बट टेस्ट वॉज सो गुड कि हमने वापसी की राह पकड़ी। एंट्री की एक साइड पे फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। शाम में ये फूड स्ट्रीट का काम देते हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट जगह है जिन्होंने कभी विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया और जो देखना चाहते हैं कि भाई गांव की ज़िंदगी कैसी होती है। और यहाँ पे हम वापसी की राह पकड़ते हैं एंड साथ ही साथ मैं व्लॉग को भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई भी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट वाली सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। और भाई ये एक सीन देखते जाइएगा, ये हमें बहुत प्यारे से बैलून्स नज़र आ रहे थे तो मैंने सोचा कि वाई नॉट रिकॉर्ड दिस, क्योंकि मोबाइल हमने जुगाड़ सिस्टम पे चार्ज कर लिया था। ओके टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।